वेलकम ऑफ़ यूट्यूब चैनल सिमला कम्युनिकेशन, सभी दोस्तों का, सपोर्टर्स का, वेबसाइट परचेजर का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल एक नया ट्रेंड्स मार्केट में चला हुआ है कि हर चीज़ की डुप्लीकेट असेंबली दिखाई जा रही है, लेकिन डुप्लीकेट असेंबली हर असेंबली की नहीं बनती। जो असेंबली की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उनका डुप्लीकेट आता है, जैसे 850A+, A50A के नाम से, 857 और 861। अगर वी टॉक अबाउट, मतलब अगर हम बात करते हैं, 858 का डुप्लीकेट आता है मार्केट में, 858 का, लेकिन 2008D का डुप्लीकेट नहीं आता। 2008D जो भी बनाता है वो अपने नाम में बना रहा है या किसी और बाहर थर्ड पार्टी से बनवाया जाता है। 706, मेरे भी एक दोस्त ने जो है बड़े डिस्क्राइब किया कि SMD जेन्युइन कैसे है। खैर, ज़्यादा डिटेल में जाने से बेहतर यह है कि SMD इसका 706 का अभी तक मार्केट में कॉपी अवेलेबल नहीं है, और 706W+ का भी अवेलेबल नहीं है। SMD 100% ओरिजिनल है। मेन दो SMD का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। दोनों असम SMD हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया SMD हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों 2-in-1 है, ये भी आयरन के साथ में है, और 8586 या क्विक 715 जो आई है वो भी आयरन के साथ में है। इसका आयरन जो है वो 50 वॉट का है इस SMD का, और इस SMD का आयरन जो है, इसको हम गर्म करते हैं थोड़ा सा, अभी मैंने ऑन नहीं किया था। इस SMD का जो आयरन है वो 80 वॉट के अंदर है। पहला डिफरेंस ये है कि ये SMD थोड़ी सी कॉस्ट वाइज भी महंगी है, और हेलिकल एयर में है, और ये वाइंड एयर के अंदर है। ये जो है 858 नॉर्मल जो आती है उसकी डिट्टो कॉपी है, 2008D की कॉपी है, चैनल का डिफरेंस है। ये SMD जो है 8587D के तरफ से बनाई गई। इसमें और 857DW के अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें 50 वाट का आयरन जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सेम एलिमेंट इसके अंदर यूज होता है, 580 वाट पे ये वर्क करती है। इसका जो वोल्टेज है 580 वाट है। इसका वोल्टेज जो है ये 2008 की तर्ज पे काम करती है। इसका वोल्टेज जो है 2008 से भी ज़्यादा है। ये 800 वाट्स के ऊपर काम कर रही है, 800 वाट्स के ऊपर है। सिर्फ साथ में जो है 700 वाट्स का जो है आपका आयरन भी है साथ में इसका। और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 100 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारी जो SMD 706 है इसका जो रेंज है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू पे जाएंगे तो 450 मैक्सिमम होगा इसका, ये मैक्सिमम 450 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। 5% का जो है प्लस माइनस का डिफरेंस है ये जो है आपको दे रही है। अभी मैं आपको जो है इसका एक और डिफरेंस बता देता हूँ, जो लोग कैलिब्रेशन में चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैनुअल पड़ा हुआ है, मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है। इसका जो सोल्डरिंग स्टेशन का भी टेम्परेचर रेंज है 480 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, और इसका जो SMD रेंज है वो आपकी नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेसिफिकेशन के अंदर भी, 580 वाट है। एयर फ्लो जो है 40 LM मैक्सिमम है, और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज है। लेकिन इस SMD का जो टेम्परेचर रेंज है ये हेलिकल एयर में भी है। अगर हम BGIC बनाने की बात करते हैं, इस SMD से भी हमारी BG बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन जो चीज़ जो परफेक्शन इस SMD में आएगी या 858 ओरिजिनल में आती है, 858 की कॉपी बहुत है मार्केट में, 1400-1500 रुपये में मिल जाती है, लेकिन ओरिजिनल 858 जो है नियर अबाउट 5000 के आसपास है। ये SMD 80 वॉट के आयरन के साथ में है, और इसकी कॉस्ट जो है बहुत इकोनॉमिकल है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं 858 से या 2008D से, सिर्फ इसमें और जो उसमें डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो 3 चैनल हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो नहीं हैं। इसी तरह जैसे ये SMD जो 706 है आपकी, ये 857DW और 859DW, इन तीनों के अंदर सेम एलिमेंट लगेगा, सेम हैंडल लगेगा, और एलिमेंट का नंबर होता है 1147। आपको इसलिए बता दिया कि बहुत सारे लोग ढूंढते फिरते हैं ओरिजिनल एलिमेंट कहां से मिलता है, हमारी शॉप में अवेलेबल है। इसका भी जो पूरा नोजल है, ये पूरा एलिमेंट मेरी शॉप के अंदर अवेलेबल है, ये पार्ट भी, और पूरा हैंडल भी आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर जो है 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है काम करती है। इसकी वोल्टेज भी आपको बता देता हूँ, ये जो मैनुअल के अंदर दी हुई है आपकी ऑलरेडी, इसका स्पेसिफिकेशन जो है 800 वॉटेज है, और सोल्डरिंग स्टेशन 70 वॉट्स है। तो जो उसकी मैक्सिमम पावर है, और उसका जो एयर फ्लो है वो उससे कम होता है, इसका एयर फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये वाइंड एयर देगी, ये हेलिकल एयर देगी। तो आपको कभी भी कोई पार्ट्स चाहिए, कोई कार्ड चाहिए, इसका इनसाइड पंप चाहिए, वो सभी पार्ट्स भी अवेलेबल्स हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। कंपैरिजन इसलिए करके दिखाया, दोनों ओरिजिनल SMD हैं, कोई कॉपी मार्केट में दोनों की अवेलेबल नहीं है अभी तक, टिल नाउ जो उतनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई नहीं, लेकिन दोनों के सोल्डिंग पैन में डिफरेंस है। ये 80 वाट पे काम कर रहा है, ये 50 वाट पे काम कर रहा है, और जहाँ तक हैंडल का है ये 580 वाट पे इसका एलिमेंट काम कर रहा है, इसका एलिमेंट 800 वाट्स पे काम कर रहा है। इसका एलिमेंट भी अवेलेबल है, इसका एलिमेंट भी अवेलेबल है। आपको जब भी करनी है आप परचेज कर सकते हैं, शॉप पर विजिट कर सकते हैं या वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.simlockcommunication.com। अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता तो आप गूगल के ऊपर सीधा सिमलॉक कम्युनिकेशन लिख के हमारा एड्रेस सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स।